अ वेरी गुड मॉर्निंग. हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम संस्कृति गुरुकुल स्कूल. हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश. नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप चैप्टर 3 अवर हेल्पर्स. तो चैप्टर 3 अवर हेल्पर्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, आपने रीड भी अच्छे से किया होगा और अच्छे से समझा होगा. ओके, तो आज हम इसकी कंप्रिहेंशन स्किल करेंगे. ओके, तो मैं आपको समझाऊंगी, आप अच्छे से समझेंगे और उसके बाद अपनी बुक में फिल करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. कॉम्प्रिहेंशन स्किल ए पे आपको दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो जो आंसर सही है उस पर टिक करना है करेक्ट का. ओके, तो फर्स्ट दिया है पीपल हु हेल्प अस आर कॉल्ड अवर, जो लोग हमारी मदद करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? हेल्पर्स, ए हेल्पर्स, बी मास्टर, सी ऑनर. तो आंसर क्या है इसका? ए हेल्पर्स. सेकेंड फार्मर ग्रोज, फार्मर क्या उगाते हैं? ए मिनरल्स, बी क्रॉप्स, सी मेडिसिन. तो आंसर क्या है इसका? बी क्रॉप्स. ओके, थर्ड पे आपको दिया है टीचर टीच इन, टीचर हमें कहाँ पढ़ाती है? ए स्कूल में, बी कॉलेज में, सी ऑल ऑफ दिस, दोनों जगह. तो टीचर तो दोनों जगह पढ़ाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑल ऑफ दिस. ओके, फोर्थ पे दिया है आपको पोस्टमैन डिलीवर्स, पोस्टमैन क्या डिलीवर करता है? ए लेटर्स, बी मेडिसिन, सी फ्रूट्स. तो आंसर क्या है इसका? ए लेटर्स. ओके, फिफ्थ पे दिया है बार्बर कट अवर, बार्बर क्या काटते हैं हमारे? ए ट्रीज, बी हेयर, सी प्लांट. तो आंसर क्या है इसका? बी हेयर. ओके, सिक्स पे दिया आपको गार्डनर लुक आफ्टर द, गार्डनर क्या देखते हैं? ए पेशेंट्स, बी पीपल, सी प्लांट्स. तो गार्डनर क्या देखते हैं? प्लांट्स. ओके, आगे दिए हैं आपको, आगे आपको फ्लिन विद द वर्ड्स गिवन बिलो, तो क्या लिखा है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, तो जो ये वर्ड दिए हैं उनकी हेल्प से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पे लिखा है दे मेक अवर लाइफ डैश एंड कम्फर्टेबल, तो हमारी लाइफ को क्या होता है? कम्फर्टेबल और ईजी, ई एस वाई ईजी, ई ए एस वाई ईजी. ओके, सेकेंड पे लिखा है शोल्जर्स डिफेंस अवर, शोल्जर किसकी रक्षा करते हैं? हमारी कंट्री की, यस, सी ओ यू एन टी आर वाई कंट्री. ओके, थर्ड पे दिया है डैश मेक वुडन फर्नीचर, तो वुडन फर्नीचर कौन बनाता है? कारपेंटर, सी ए आर पी ई एन टी ई आर कारपेंटर. ओके, फोर्थ पे दिया है टेलर स्टिच अवर, टेलर क्या स्टिच करता है? क्लॉथ, सी एल ओ टी एच ई एस क्लॉथ्स. ओके, फिफ्थ पे दिया है इलेक्ट्रीशियंस रिपेयर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, गैजेट्स रिपेयर करते हैं, जी ए डी जी ई टी एस गैजेट्स. ओके, अब आपको नेक्स्ट दिए हैं टिक द ट्रू एंड द फॉल्स स्टेटमेंट, जो सही है उस पर टिक करना है और जो गलत है उस पर रॉन्ग करना है. ओके, तो फर्स्ट दिया है वी कैन डू ऑल अवर वर्क अवर सेल्फ, कि हम अपना सारा काम खुद कर सकते हैं? नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जिनमें हमें हेल्पर्स की ज़रूरत होती है. तो इसका आंसर ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग, इधर लगाना है हमें रॉन्ग. ओके, सेकंड पे दिया है साइंटिस्ट इन्वेंट न्यू थिंग्स, यस, तो राइट. थर्ड पे दिया है इंजीनियर्स बिल्ड रोड एंड ब्रिज, यस, राइट. फोर्थ पे दिया है मेंशन वर्क इन द माइंस, नो, रॉन्ग. फिफ्थ पे दिया है वी शुड रिस्पेक्ट अवर हेल्पर्स, यस, राइट. एंड आपको नेक्स्ट दी गई है मैचिंग, क्या लिखा है? मैच द फॉलोइंग, ए और बी टू कॉलम दिए गए हैं, तो ए और बी को मैच करना है. ए के फर्स्ट पे लिखा है डॉक्टर, वो जाएगा बी के सी पे, सिक पीपल. ए के सेकंड पे दिया है फार्मर, हो जाएगा बी के डी पे, क्रॉप्स. ए के थर्ड पे दिया है माइनर, हो जाएगा बी के ई पे, माइंस. ए के फोर्थ पे दिया है पुलिसमैन, हो जाएगा बी के ए पे, लॉ एंड ऑर्डर. ए के फिफ्थ पे दिया है पोस्टमैन, हो जाएगा बी के बी पे, लेटर्स. ओके, तो आज हमने की चैप्टर 3 अवर हेल्पर्स की कम्प्रिहेंशन स्किल. तो आप अच्छे से समझ के फिल करिएगा. एंड आपको होमवर्क ये है कि इसके बाद आपको फिल करने के बाद आपको लर्न करना है. ओके,